अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद कदीर अरफानी आटो लाहौर से। ये 2012 मॉडल है गाड़ी, ये नमान भाई लेके आए थे। कहते ये गाड़ी नश्तर से लेके आए, तकरीबन मेरे पास आते 17 किलोमीटर है। ये आप गाड़ी लेके आए, कितना पेट्रोल डलवाया था आपने? मैंने जी 2500 का पेट्रोल डलवाया था। तो कितने किलोमीटर बनती है? 17 किलोमीटर बनती है वहाँ से यहाँ तक, क्योंकि नश्तर से आने से एक बालटों तक सारा ख़त्म हो गया। तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 500 या 700 का होगा, इससे ज़्यादा नहीं। ये तकरीबन 7 लीटर पेट्रोल गाड़ी खा गई, इतना फ्यूल खर्च कर रही है। कारपेट के अंदर भी फॉल्ट है, मैंने खोली इसका, इसकी ट्यूनिंग करता हूँ। कारपेट की मुकम्मल सर्विस इसके टैपड करेंगे, सारी गाड़ी सेट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह सुबहाना ताला की मेहरबानी से इंशाल्लाह इनको गाड़ी का रिजल्ट निकाल के देंगे। ये तकरीबन मेरे ख्याल में 5 को गाड़ी एवरेज दे रही है, 4-5 से ऊपर नहीं कर रही। वो गाड़ी ना होका ले रही है, पिक कम है गाड़ी का, मज़ा नहीं, खड़ी गाड़ी वाइब्रेट कर रही है। ये सारी चीज़ें खोलता हूँ अभी, सारी सर्विस करते हैं तो फिर ये करते हैं सारा मालूम, देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर चेंज की हुई हैं कारपेट के अंदर। ये इसका स्लो जेट की पतरी भी गिराई हुई है वाली, ये देख रहे हैं, ये वाली पतरी भी गिराई हुई है। तो इसका सर दोस्त ही है ना, स्लो जेट का पतरी भी निकाल देते हैं, बोल्ट भी खोल देते हैं, सेटिंग में फ़र्क आ जाता है। बहुत ज़्यादा फ्यूल गाड़ी खर्च कर रही, हद से ज़्यादा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी गाड़ी ठीक हो जाए, रिज़ल्ट अच्छा निकला है। करते हैं सारी सर्विस, करते हैं सारा काम करते हैं। प्लगों की हालत देखें आप, इतना वो पेट्रोल खा रही है कि हद नहीं हो गया। कल साफ कराया प्लग, बहुत ज़्यादा ब्लैक है इसके, हद से ज़्यादा फ्यूल खर्च कर रही है। कारपेट का सारा निज़ाम ही धर्म बढ़ रहा है, पीछे वाला जेट भी ठीक नहीं है, कारपेट अंदर से भी बंद है, सारा चौक है। अभी सारा इसको सर्विस कर रहा हूँ, सारी सफाई करने के बाद इसकी सेटिंग करते हैं इंशाल्लाह। ये तीनों जेट इसके ख़राब हैं, ये वाले मैं तीनों जेट इसके चेंज कर रहा हूँ, ये वाले ठीक है। ये कारपेट का जेट मैंने लगा दिए हैं दो, ये वाले हैं एक, ये एक ये लगाने लगा, ये वाला जेट है, इसके अंदर मैंने दोनों जेट नए फिटिंग कर दी हैं। साइज चेक करके बाकी गाड़ी स्टार्ट चेक करके करेंगे, कोई मसला हुआ तो फिर वो देखेंगे। अभी सारा कारपेट की फिटिंग करके गाड़ी स्टार्ट करके इसको चेकिंग करते हैं सारी, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मुकम्मल करते हैं गाड़ी, मुकम्मल करके टैबलेट भी चेक करते हैं, प्लग भी इसके फुल ब्लैक हैं, इंशाल्लाह सेटिंग करते हैं। इसका इंटेक का टैबलेट ये वाला बंद है बिल्कुल, देख रहे हैं गेज अंदर ही जा रही है, ये ठीक है, ये वाला टैबलेट बंद है। पेट्रोल खाने इन्ना को पेट्रोल खा रही साफ नहीं गड्डी। टैबलेट बंद है ना, टैबलेट का नहीं, सारे
टेक के टैबलेट इसके बंद थे वो सारे मुकम्मल कर दिए। तो माशाल्लाह गाड़ी कंप्लीट है, हर चीज़ ठीक है, कारपेट तो हर चीज़ सोन सोन बिल्कुल ठीक है, तो मुकम्मल है गाड़ी। अभी रोटर ही करते हैं इनकी। ओके, चैनल चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, फेसबुक के दोस्त यूट्यूब चैनल देखें। ओके, अल्लाह हाफिज़। नुमान भाई मेरे पास ले गए थे आल्टो गाड़ी 2012 मॉडल, गाड़ी कंप्लीट है, गाड़ी की रोटर ही कर रहे हैं ये। नुमान भाई बताएं जरा आप गाड़ी की पोजीशन क्या है, आपको फील हो रहा है गाड़ी का? सर गाड़ी इस टाइम बिल्कुल अपने पॉइंट पे है, इस टाइप से मैं पहले लाया था उससे तो बहुत बेहतर है, अब चलाने का भी मज़ा आ रहा है इसका, जो एवरेज है इंशाल्लाह उम्मीद है बेहतर हो जाएगी। माशाल्लाह गाड़ी मुकम्मल है, ज़बरदस्त साउंड है, गाड़ी चला के भाई खुश हो गए कि गाड़ी चलाने का मज़ा आ गया, वरना इस गाड़ी का पिकअप बिल्कुल नहीं था। पिक करें कि गाड़ी कैसे दौड़ती थी जब आप चलाते थे लोगों के? सर 60-80, 90 और शोर बहुत करती थी, शोर बहुत ज़्यादा कर देती थी। अब इंशाल्लाह अच्छा हो गया, शोर भी नहीं करेगी और इसका साउंड भी ठीक है। कारपेट के अंदर जेट के फॉल्ट थे, कारपेट भी तकरीबन कुछ चीज़ें ऐसी थी बंद थी सारी, टैबलेट इनटेक के टायर थे, प्लग फुल ब्लैक थे, टैमी का फॉल्ट था, वैक्यूम पैप का फॉल्ट था। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से सारे फॉल्ट निकाल दिए हैं, अल्लाह का शुक्र है। अब गाड़ी का रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है इंशाल्लाह, जो पेट्रोल गाड़ी 3-4 की एवरेज दे रही थी अब इंशाल्लाह ये रिजल्ट देगी और गाड़ी का चलाने का भी मज़ा आएगा। ओके, अपना ख्याल रखना, अल्लाह ताला आप सबको सलामत और खुश रखे, अल्लाह ताला सबको और इस चैनल को भी ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।